नमस्कार, कैसन बा रहुआ लोग। आशा हुई सब कोई अच्छा हुई, निमन हुई, स्वस्थ हुई। और आज बा हमार बिहार के एकदम स्पेशल अदरा नक्षत्र के दाल बड़ी पूड़ी खीर और आलू दम। और ये सब बिहार में हर घरे बनेला। तो चलिए के रेसिपी दे तनी पूड़ी के। सबसे पहले हमको दाल को ना 8 घंटे मैंने भिगो लिया। ये देखिए दाल एकदम टूट जा रहा है। उसके लिए फिर मेथी, मिर्चा, जीरा और हींग का हम तड़का लगाएंगे। तो मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, आप कढ़ाई में बना सकते हैं। सबसे पहले 2 चम्मच तेल डाला मैंने, फिर ये तड़का इसके को तड़क जाने देंगे, देन उसके बाद हींग डालेंगे, क्योंकि हींग जल ना जाए इसलिए। फिर दाल डाल देंगे, इसको थोड़ा भूनेंगे हम। इसमें हल्दी नमक डाल करके फिर भूनेंगे। फिर इसमें हम इतना पानी डालेंगे जिसमें ये डूब जाए। जब पानी सूख जाए ना भूनते भूनते, इसको धीमे आँच पे भूनेंगे, इतना पानी डालेंगे इसमें दाल डूब जाए। उसके बाद इसको प्रेशर लगाएंगे हम अच्छे से गलने तक। और अगर उसके बाद पानी इसमें सेपरेट बचेगा तो इसको फिर हम सुखा भी लेंगे। तो मैंने 2 सीटी तेज़ पे और 5 मिनट धीमे पर पकाया है। अच्छे से गल चुका है, लेकिन पानी थोड़ा इसमें बच गया तो इसको मैं रिड्यूस कर रही हूँ। देन ये हमारा आलू दम बन रहा है इधर। इसकी रेसिपी बाद में दूंगी, बहुत चटपटी बनी थी। और आलू परवल का दम बनता है एक्चुअली, लेकिन मैं आलू दम ही बना रही हूँ। ये देखिए पानी मैंने सुखा लिया और ये कढ़ाई में ही हो गया, फिर भी मैंने इसको थोड़ा पीस लिया है। अब आटा एकदम नॉर्मल वाला गूंथेंगे और जैसे हम स्टफ पराठा बनाते वैसे ही इसको बनाएंगे। ये मेरा आलू दम देखिए, एक बार सोचा दिखा दूँ। इसका कलर टेक्सचर बहुत ही यम बना था। अब जैसे हम नॉर्मल पराठा बनाते ना वैसे ही इसकी कटोरी बना के इसमें दाल की स्टफिंग डालेंगे, जितना आपकी इच्छा। हम लोग थोड़ा ज़्यादा खाते हैं इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ। और जैसे आपकी इच्छा, जैसे बनाऊँ मोटा पतला जैसा छोटा बड़ा, तो मैं मीडियम साइज़ की बनाती हूँ। बहुत मोटा भी नहीं, बहुत पतला भी नहीं। फिर इसको घी से, हम लोग घी से सेकते हैं। घी से ना आप इसको 2-4 दिन बाद भी खाओगे ना तो बहुत यम्मी लगता है। ये देखिए इतना बड़ा मैंने बेल दिया और इतना मोटा। तवे पे डाल के दो तब सेक लूँगी अच्छे से शुद्ध घी में। इसको हम लोग फ्राई करके भी, तल के भी बनाते हैं, बट वो बहुत ऑयली हो जाता है और वो थोड़ा मोटा बेलना पड़ता है।